हेलो नमस्ते लग नमस्कार चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल शाम में कुछ ऐसा हुआ ना कि आपने वीडियो देखा होगा जब आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया गया, एक ऐसा टीजर जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जब आप ये बोल रहे हो कि ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट बजट फिल्म है, बजट है लगभग 500 करोड़, और 500 करोड़ में आप एक एनिमेशन फिल्म, एक मोशन ग्राफिक वाली फिल्म जो है वो आप दिखाने जा रहे हो, भगवान न करे ऐसा हो, मतलब आपने उसका टीजर दिखाया, झलक दिखाई, तो मतलब ऐसा सदमा लगा ना मुझे। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने कोई सोशल मीडिया पे एक ऐसा इंसान नहीं देखा जो इस टीजर की तारीफ कर रहा हो, एक भी मैंने नहीं देखा। चाहे आप किसी भी इस फिल्म के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं या फिर पोस्ट हैं, किसी के कमेंट सेक्शन में आप चले जाओ और आप एक आदमी का बता दो जिसने इस टीजर की तारीफ की होगी। एक ऐसा घटिया वाहियात टीजर, मतलब टीजर उम्मीद से, उम्मीद एक होती है ना, उम्मीद एक होती है, उम्मीद टूटना, ये उम्मीद का पूरा ऐसे बुरादा बन गया, एक धुआं धुआं हो गया, कुछ ऐसा टीजर था फिल्म आदि पुरुष का। तो इसके बाद होने लगा कि इसका VFX पे किसने काम किया है, लोगों ने ढूंढ निकाला, तो नाम आया VFX वाला। जी हाँ, ये जो कंपनी है वो 2015 में बनी थी, और ये किसी और की कंपनी नहीं बल्कि अजय देवगन सर, जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन सर की कंपनी है VFX वाला। ये फिल्म पे काम कर रही थी, ये जो कंपनी है VFX वाला, ये स्टार्टिंग से आदि पुरुष फिल्म पे काम कर रही थी, इसके VFX पे CGI पे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो इस चीज़ से हट गई और सिर्फ DI में जो है ना, फिल्म का कलर करेक्शन और ये सब क्लियर किया जाता है, पिक्चर का क्वालिटी बढ़ाया जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो तो CC में भी होता है लेकिन DI में भी होता है वो। तो वहाँ पे फिल्म के VFX से ये कंपनी ने अपना हाथ खींच लिया। उसके बाद इस फिल्म का VFX पे किस कंपनी ने काम किया उसका अभी तक क्लियर नहीं है कुछ भी, और VFX वाला ने एक इसका स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। तो VFX वाला बिल्कुल भी उस फिल्म के ग्राफिक्स और VFX से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी कंपनी कर रही है, क्या उसको 10 या 20 करोड़ रुपया दिया गया कि तुम यार ये बना दो? मतलब कैसे सोच सकते हैं फिल्म के मेकर्स कि ऐसा घटिया मजाक किया जा सकता है ऑडियंस के साथ, जब उम्मीदें इतनी हाई हो, एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हो, तो कैसे कोई इतना लाइटली ले सकता है? ये तो बहुत ही लाइटली लेना हो गया। आपके पास बजट था, प्रभास जैसे एक्टर थे, लेकिन आपने क्या किया, मतलब उनका आप गेटअप देखो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे बात करूँ जो मूछें हैं भगवान श्री राम की, वो कोई ढंग का नहीं लग रहा है, या फिर उनके एब्स हैं वो एकदम ग्राफिक्स वाले हैं, या फिर बात करूँ मैं हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो, या फिर वानर सेना जो है वो, सारा कुछ इतना डुप्लीकेट, इतना घटिया और इतना मतलब दिमाग से बाउंसर ये निकल गया टीजर। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि क्यों ऐसा किया गया, ये बात करने लायक है ही नहीं, मतलब समझ से ही बाहर है, क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को रात में नींद नहीं आ रहा था, मैंने वीडियो किया जो ही, उस पर 500-600 व्यूज़ गए हैं, वो मतलब मुझे रात में नींद नहीं आ रहा था, लिटरली मैं एकदम शॉक में था कि अरे कैसे इतना लाइटली कोई कैसे ले सकता है, इतना घटिया मजाक कोई कैसे कर सकता है। आप 2022 में आप 2000 वाले आप इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, और इससे अच्छा तो यार कार्टून चैनल्स पे जो आता है उसके ग्राफिक्स होते हैं, एटलीस्ट वो देख के तो ये लगता है चलो ये एनिमेटेड है, कार्टून है, तो चल जाता है। यहाँ पे आपने रियल एक्टर्स लिया और ऐसा घटिया मजाक, इससे अच्छा क्या जरूरत थी रियल एक्टर्स लेने की, आपको जब इसी पे ऐसा ही एनिमेशन वाला ही रिलीज करना था तो बिना एक्टर के बना देते, आपका बजट भी बन जाता और इससे अच्छी क्वालिटी में और टीजर हमें देखने को मिलता। लेकिन आपने तो, ओम राउत जी, आपने बहुत ही घटिया, और उनके हर पोस्ट पे जाके मैंने कमेंट ठोका है, और मैंने ही नहीं, बहुत हजारों लाखों लोगों ने जिनकी उम्मीदें टूटी है। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ साउथ के सभी एक्टर्स से कि बॉलीवुड के डायरेक्टर और बॉलीवुड में काम करना बंद कर दो, आप लोग लिटरली बंद कर दो। ये जो एक पैन इंडिया वर्ड और ये बाइलिंगुअल वर्ड है ना, इससे मुझे नफरत सी हो गई है। पहले बाहुबली आप देखो तो तेलुगु में ही फिल्म शूट हुई, उसको डब किया गया उसको बाकी लैंग्वेज में, लेकिन बाइलिंगुअल फिल्म क्या होता है, जैसे साहू हिंदी और तेलुगु में साथ साथ शूट की गई, या फिर
साहो हो गया, उसके बाद राधे श्याम, या फिर अभी जो विजय देवरकोंडा की फिल्म आई थी लाइगर, उसको भी एक साथ बाइलिंगुअल में यही होता है कि एक साथ किसी दो लैंग्वेज में फिल्म को शूट ही किया जाता है, मतलब हिंदी और जो एक और डायलॉग है, जो लैंग्वेज है उसमें डायलॉग पूरे के पूरे बोले जाते हैं। तो एक तो ये पैन इंडिया वर्ड और बाइलिंगुअल ये सारा बंद कर दो, तो फिल्म जो है अपने लैंग्वेज में बनाओ, अपने लैंग्वेज में आप फिल्म बनाओ। और ये बात मैं बहुत कई सारे वीडियोज में बोल चुका हूँ, अपने लैंग्वेज में फिल्म बनाओ, वो जो मजा, वो जो फ्लेवर आएगा ना, उसके बाद आप उसको डब करो बाकी लैंग्वेज में और रिलीज करो, आप पे फिल्म के सक्सेस का उतना प्रेशर भी नहीं होगा और आप अच्छे से एकदम फ्रीडम से काम कर पाओगे। और मैं प्रभास सर को एक ही बात बोलना चाहूंगा, उन तक तो वीडियो घंटा नहीं पहुंचने वाला है लेकिन उनके फैंस तक पहुंचेगा, तो बॉलीवुड में काम करना बंद कर दो, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के साथ काम करना बंद कर दो, प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना बंद कर दो। आप जहाँ से हो, आप तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हो, आप वहाँ के डायरेक्टर्स के साथ काम करो, अच्छी फिल्में करो। और ये पैन इंडिया से बाहर निकलो, मैं सभी एक्ट्रेस को बोल रहा हूँ, पैन इंडिया वर्ड से बाहर निकलो, और ये आज न कल आप लोग रियलाइज करोगे। और मैं आज ये आवाज़ उठा रहा हूँ, कल हो के बहुत बड़े बड़े लोग इस वर्ड को नकारने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं। तो उस चीज़ से निकलो, आप अपने लैंग्वेज में काम करो, अच्छी फिल्में करो। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहुबली जैसी फिल्में दे दी तो उसके बाद मैं उससे लेवल नीचे नहीं गिरा सकता, ये एक बहुत ही घटिया चीज़ मुझे लगती है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो आप उससे नीचे नहीं जाओ। क्यों नीचे नहीं जाओगे यार, आप जहाँ से उठ उठ के गए हो वहाँ पर क्यों नहीं आ सकते आप, मतलब उस हक दोगे, उसके ऊपर जाने पर हक दोगे लेकिन उसके नीचे आके अच्छा काम नहीं कर सकते हो। लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि मन कर रहा है कि क्या ही दूं, लेकिन एक तो फिल्म है वो कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो इसके बारे में डिटेल वीडियो और करूंगा मैं, फिल्म आदिपुरुष के बारे में, उसके VFX के बारे में, उसके जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन कैरेक्टर क्या है, कौन एक्ट्रेस प्ले कर रहे हैं, कौन उसको अपनी आवाज़ दे रहा है, ये सारा वीडियो एक डिटेल में आएगा बहुत जल्द। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। नीचे कमेंट करके आप बताइए कि मेरी बातें सही है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही पैन इंडिया बाइलिंगुअल करते रहो, फिल्म फ्लॉप कराते रहो, 500 हज़ार करोड़ बजट लगा लो, उससे कुछ भी होने जाने को नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।